इंदौर में सड़कों पर दूल्हा दौड़ रहा था, उसके साथ बाराती भी दौड़ रहे थे। यह देखकर लोग अचरज में पड़ गए और ये सब 12 किलोमीटर दौड़कर दुल्हन के घर पहुंचे और विवाह की रस्में पूरी की। दरअसल फिजिकल ट्रेनर नीरज मालवीय की शादी थी। अपनी शादी को यादगार बनाने और फिटनेस का संदेश देने के लिए उन्होंने दौड़कर बारात निकाली। ये दौड़ती हुई बारात जो आप देख रहे हैं वो बारात है फिजिकल ट्रेनर नीरज मालवीय की। नीरज मालवीय ने अपनी बारात को अनोखे तरीके से इंदौर की सड़कों पर निकाला। आमतौर पर बारात में दूल्हा घोड़े पर बैठकर निकलता है, लेकिन जो बारात नीरज ने निकाली वह कई मायनों में अलग है। इसमें दूल्हा नीरज दौड़ते हुए नजर आ रहा है, वहीं उसके बाराती भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि फिजिकल ट्रेनर नीरज ने अपनी शादी को अनोखे तरीके से करने के लिए एक संकल्प लिया था। उसी संकल्प के जरिए उसने अपनी बारात का आयोजन किया, जिसमें बाराती अच्छी सेहत का संदेश देते हुए नजर आए। जिस जगह से यह बारात निकली लोगों ने काफी आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन जिस तरह से यह बारात निकाली जा रही है वह कई मायनों में अहम है। बारात में शामिल होने आए बारातियों का भी कहना है कि जब नीरज ने अपने मोटों के बारे में बताया तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने पर्यावरण, सहजता और सेहत के लिए यह अच्छा मैसेज का वर्णन दिया तो हम भी उसके साथ आ गए और आज उसकी बारात में दौड़ते हुए जा रहे हैं। दौड़ते हुए बारात लेके जा रहा हूँ। ख्वाहिश थी बचपन से कुछ शादी में डिफरेंट करूँ, और चूंकि मैं फिजिकल ट्रेनर हूँ तो लोगों को फिटनेस के प्रति अवेयरनेस के लिए मोटिवेट करना चाहता हूँ। आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई कि हम लोग वर्कआउट पे ध्यान नहीं देते, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहाने बताते हैं, आज शादी में जाना था, आज वहाँ जाना था, आज वो फंक्शन था, आज ऑफिस वर्किंग ज़्यादा था, पर इन सब के बाद भी हम खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं। मैं यही दिखाने के लिए खुद की शादी में रन करते हुए जा रहा हूँ। हमें इसका प्रस्ताव लगा, इसने बहुत टाइम पहले मुझे बताया था कि जब भी मेरी शादी होगी मैं रनिंग करवाते हुए ले जाऊँ। बहुत टाइम से इंदौर में कोचिंग दे रहा है फिजिकल ट्रेनिंग की, दशहरा मैदान पर ये फ्री कोचिंग चलाते हैं। ये सब जो भी हैं एजेड लोग, जितने भी येलो टी शर्ट में आपको दिख रहे हैं, इनके स्टूडेंट्स हैं ये लोग। जैसे इसका लगा हमें कि हाँ यार बहुत अच्छा वो है, ये इसका एक माइंड में इसके कुछ भी नई चीज़ आई कि हाँ करना चाहिए इसको। सब लोगों ने मना करने का किसी के मन में ख्याल नहीं आया, वो चीज़ सब ने हाँ ही की। इसके साथ साथ हम पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रहे हैं, प्लास्टिक मुक्त। भाई हमें इंदौर करना है, इंदौर हो ही रहा है आप लोग जानते हैं, उसके लिए भी अभी बहुत सारे, हमारी शादी में 16 तारीख से प्रोग्राम चल रहा है, पूरा प्लास्टिक मुक्त है, कुछ भी चीज़ नहीं है हमारे पास प्लास्टिक की, पूरा स्टील का बर्तन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक की कोई चीज़ डिस्पोजल तक भी नहीं लिया। नीरज मालवीय इंदौर के खंडवा रोड के रहने वाले हैं, वहीं उनकी दुल्हन निकिता बिल्लौर इंदौर के संगम नगर की रहने वाली है। नीरज मालवीय ने खंडवा रोड से अपनी बारात दौड़ते हुए निकाली और 12 किलोमीटर दूर निकिता बिल्लौरे के घर पहुंची। वहीं दुल्हन निकिता बिल्लौरे का कहना है कि जिस तरह से नीरज ने एक मैसेज दिया है वह काफी सराहनीय है और उसके मैसेज का मैं भी काफी स्वागत करती हूँ। पहले से पता था लेकिन इस तरह आएगी पता नहीं था, अच्छा कर रहे हैं वो, आगे शहर के लिए कर रहे हैं और फिट इंडिया के लिए कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, मैं उनको सपोर्ट में उनके। हाँ, ये बहुत अच्छी पहल है पर्यावरण के लिए और हम उसका स्वागत करते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है उसके लिए भी बहुत अहम चीज़ है ये, और हम सबको ये इसमें सहयोग करना चाहिए। फिलहाल इंदौर के युवक ने जिस तरह से एक पहल की शुरुआत की है वह कई मायनों में अहम है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में दूल्हे नीरज मालवीय से अन्य युवक किस तरह से प्रेरणा लेते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।